दोस्तों पूजा का सीज़न चल रहा है, हर कोई चाहता है कि बाहर जाके खाना खा के आए, तो क्यों ना हम उसे घर में ही बनाते हैं। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे चिली फ़िश। तो इसके लिए लेंगे हम रोहू फ़िश और उसी फ़िश को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। अभी उसमें दे देते हैं ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, और उसी के साथ साथ हम उसमें दे देंगे रेड चिली पाउडर। ये घर में कूटी हुई भी दे सकते हैं या तो दुकान से जो चिली पाउडर मिलता है वो भी दे सकते हैं। और इसके साथ थोड़ा सा नमक और हल्दी सब मिला के एक साथ फ़िश को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे आधा घंटा। और ऊपर से आधा नींबू का रस निचोड़ के दे दीजिएगा। ये देने से क्या होता है, फ़िश का जो एक स्मेल आता है ना वो नहीं रहता है, तो ये देने से आपको स्मेल भी नहीं आएगा और अच्छा टेस्ट लगेगा। तो ये लास्ट में ऊपर से निचोड़ के सभी फ़िश में मिला के रख के देंगे हम लोग आधा घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से सारे मसाले फ़िश के अंदर चले जाए। अभी ले लेते एक कढ़ाई, उसमें डाल देते हैं तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा उसमें आप एक एक करके फ़िश डाल दीजिए, जो मैरिनेटेड फ़िश हम लोग मैरिनेट करके रखे हैं वो फ़िश डाल दीजिए। हाँ, यहाँ पर सारे फ़िश एक साथ ना डालेगा तो फिर जब हम उसको पलटने जाएंगे फ़िश टूट जाएंगे, तो उतना ही डालिए ताकि हम लोग अच्छी तरह से उसको पलट के दोनों साइड में बड़ी अच्छी तरह से फ्राई कर ले, क्योंकि यही वह टाइम है। अगर फ़िश को आप अच्छी तरह से फ्राई नहीं कीजिएगा तो उससे एक स्मेल आने का चांसेस है, बाद में उससे पानी छोड़ने का चांसेस है। तो इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम तेल बहुत ज़्यादा गर्म है डाल दिया पूरा ब्राउन हो गया, ऐसा नहीं। अब जैसे तेल गर्म जब हो तभी डालें, और उसके बाद धीरे धीरे करके मीडियम फ्लेम में फ़िश को फ्राई करते रहें। सारे फिश मेरे फ्राई हो चुके हैं, तो अब उसी तेल में यही फ़िश का हम ग्रेवी बनाएंगे। तो ग्रेवी के लिए हम लोग को लगेगा कुछ सॉस, जैसे कि मैंने लिया है यहाँ पर पेरी पेरी सॉस। आपके पास अगर ये ना हो तो आप नॉर्मल टोमेटो केचप भी ले सकते हैं। अब उसी के साथ मैंने ले लिया है सेजवान चिली गार्लिक सॉस, ये भी थोड़ा उसके साथ मिला लेंगे। और उसी के साथ हम ले लेंगे थोड़ा चिली सॉस, रेड चिली सॉस। ये ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं खाना है तो ये चिली सॉस आप ना ही डालें, लेकिन ये चिली सॉस डालने के बाद ज़्यादा तीखा नहीं होता है लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे चॉप्ड गार्लिक। तो गार्लिक अपने हिसाब से दीजिए, फिर भी मैं इसका नाप कितना क्या लेना है ऊपर में आपके शायद स्क्रीन में नोटिफिकेशन आ रहा होगा, वहाँ पर देख लीजिएगा। उसके साथ मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली चॉप्ड दिया है, ये भी आप चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इन सारे चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ़िश का ग्रेवी के लिए हम यहाँ पर एक कटोरी में मिला लेते 4 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर, और उसके साथ पानी डाल के हम मिला लेंगे, सिंपल सी बात है। हाँ, यहाँ पर कॉर्नफ्लावर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से लीजिए। अगर आपको इससे ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप कॉर्नफ्लावर ज़्यादा या कम कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाने वाली हूँ, मैं एकदम सूखा सूखा ही बनाऊँगी, जैसे कि एकदम स्टिकी स्टिकीनेस आ जाए। तब कढ़ाई में मैंने फिर से डाल दिया चॉप्ड गार्लिक और चिली, दोनों मिलके थोड़ा भून लेंगे। और हाँ, ये जब चिली फिश मतलब चाइनीज़ जब खाना बनाएंगे अपना ओवन का फ्लेम एकदम हाई रखिएगा, ये एक पोजीशन है। अगर आप ये लो फ्लेम में करते हैं तो खाने का टेस्ट बदल जाता है। उसके साथ मैंने ऐड किया है डाइस्ड कैरेट्स, डाइस्ड कैप्सिकम, और अगर आप चाहें तो यहाँ पर डाइस्ड पत्ता गोभी और प्याज भी डाइस करके डाल सकते हैं। वेजिटेबल सारा फ्राई होने के बाद ही हम ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस जो हमने बनाए। अब इसे अच्छी तरह से वेजिटेबल्स के साथ फ्राई कर लेंगे, वो भी हाई फ्लेम में। ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, सिंपल है, क्रिस्पी रहना चाहिए लेकिन पक भी जाना चाहिए, तो इसलिए फ्लेम हाई होना चाहिए। और बहुत जल्दी जल्दी, ये टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, 1 से 2 मिनट लगता है। फ्राई करने के बाद ही ऐड कर देंगे हम लोगों का फ्राइड फिश, जो फ़िश फ्राई करके रखे वही सारे के सारे इसमें ऐड कर देंगे। अभी इस फिश के साथ ही सारे वेजिटेबल्स अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे, ताकि वेजिटेबल्स में जो मसाले हमने डाले हैं वो फ़िश में भी आ जाए। हाँ, फ़िश को डालना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि फ़िश को अभी डालेंगे तो फ़िश सॉगी हो जाएगा, नरम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमने बोले थे फ़िश को अच्छी तरह से फ्राई कीजिएगा ताकि ये सॉगीनेस ना आ जाए जल्दी से।
अब उसी कटोरी में थोड़ा पानी डाल के, सॉस वाला कटोरी में थोड़ा पानी डाल के वो भी उसमें ऐड कर देंगे और इसको भी थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। साथ ही साथ ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर जो हमने बनाए थे। अभी इसे स्टेज में देखिए, ये पानी जितना आपको दिख रहा है ये इतना पानी नहीं रहेगा, क्योंकि कॉर्नफ्लावर जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे वो जमता जाएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ग्रेवी ज़्यादा रखेंगे तो आप कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर ज़्यादा बनाइए, ठीक है, बना के इसमें डाल दीजिए। लेकिन मुझे उतना नहीं चाहिए, एकदम स्टिकी स्टिकीनेस होना चाहिए वैसा हम चाहते, इसलिए उतना ही मैंने डाला हुआ है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी ऐड करेंगे फ्रेश कोरिएंडर, क्योंकि अभी सब कुछ बन चुका है। कोरिएंडर एकदम लास्ट में ऐड कीजिएगा ताकि ये ग्रीन भी रहे और कोरिएंडर का जो फ्रेशनेस वो भी बरकरार रहे, तो इससे आपको खाने में एक अलग सा टेस्ट आएगा। अब इसको कर देते हैं सर्व। इसको आप खा सकते हैं वेज राइस से, ये गर्मा गर्म बहुत ही अच्छा लगता है। जिन लोगों को फ़िश खाने में प्रॉब्लम है वो ये इस तरह से फ़िश को बना के खा ही सकता है। ये तो मैंने रोहू का फ़िश से बनाया है, आप चाहे तो भेटकी से भी बना सकते हैं, या तो कोई और, या तो प्रॉन से, कोई भी फ़िश ये प्रोसेस से बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।